गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट को देखेंगे। बिहाइव है, आप लोग बिहाइव निकाल लेंगे, बुक पढ़ेंगे भी। हम वीडियो सेट कर दे रहे हैं, इसको आप देखिए, बार बार सुनिए, देखिए और बुक भी पढ़िए। इसके बाद जब वीडियो ख़त्म होगा, जब हम लोगों का चैप्टर ख़त्म होगा, तो आंसर क्वेश्चन का को करना होगा, है ना। इसको सही से देखिए, पढ़िए, खुद से आंसर क्वेश्चन लिखने आ जाएगा, उसको हम चेक भी करेंगे, है ना, देखेंगे, बताएंगे भी। नाउ रीड द चैप्टर फर्स्ट, द फन दे हेट। वो फन जो खुशी उन लोगों को होती थी, जो उन लोग अनुभव करते थे, या हेट का मतलब एक्सपीरियंस होगा, रखना नहीं, ऐसा नहीं मजाक को लोग रखते थे, खुशी रखते थे, अनुभव करना ना। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देखते हैं हम, द स्टोरी वी शैल रीड सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी जो हम लोग पढ़ेंगे, द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी फ्यूचर में सेट किया गया है, भविष्य के लिए है। ऐसे तो अभी हम लोग का आज 15 अप्रैल 2021 है, लेकिन यहाँ देखिए तो आज यहाँ 17 मई 1957 में ये कहानी सेट किया गया है, कि उस समय के बच्चे इस कहानी को पढ़ रहे हैं। इसीलिए लिखा गया है कि द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी जो हम लोग पढ़ेंगे, वी शैल रीड, हम लोग पढ़ेंगे, सेट, द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर, फ्यूचर में सेट है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नो नाउ, जब हम लोग ये किताब और स्कूल जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ, जैसा कि हम लोग जानते हैं, नो देम, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, संभवतः वो नहीं रहेगा, शायद वो नहीं रह पाएगा। तो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम, जब किताबें नहीं होगी, स्कूल नहीं होगा, तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे। आज कोरोना के कारण आज विश्व में 2021 में ही वो स्थिति आ गई। बुक तो है मेरे पास, लेकिन स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। आएगा वो समय जब किताब भी नहीं होगा, स्कूल भी नहीं होगा, जैसा कि आज हम जानते हैं, एज वी नो देम। देम किसके लिए आया है? बुक के लिए आया है और स्कूल के लिए आया है। हम लोग जानते हैं किताब के बारे में, स्कूल के बारे में, लेकिन वो दिन जब ये अस्तित्व में नहीं रहेंगे, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, संभवतः वो नहीं रहेंगे, तो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया। ये जो डायग्राम दिया गया है, देखिए क्या डायग्राम है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, बच्चे कंप्यूटर से पढ़ेंगे, आप भी पढ़ रहे मोबाइल से, कंप्यूटर से, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, सिचुएशन बदल रहा है, बदलते हुए हालात में हमें भी बदलना होगा। इन दिस सिचुएशन, इन दिस सरकमस्टांसेस, वी हैव टू चेंज एंड बी कंफर्टेबल इन दिस एनवायरमेंट, और इस वातावरण में हमको भी कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा, आप सबको, सभी को, क्योंकि जैसे समय बदलता है उसके हिसाब से तो दुनिया को बदलना ही होता है। स्कूल ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर का स्कूल ऐसे ही, जैसे अभी हम लोग का स्कूल आ गया, इसको फ्यूचर तो नहीं करेंगे, उम्मीद नहीं किए थे मैंने कभी मोबाइल से हम पढ़ाएंगे, हम कहीं, आप कहीं, आई वर्क फ्रॉम एनी वेयर, वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट अब आ गया है इस कोविड टाइम में। चैप्टर भी लगभग वैसे ही है,
जैसा कि चैप्टर में इमेजिन किया गया है, कहा भी गया है कि ये डायग्राम बिलो जो दिया गया है मैं गिव यू सम आइडिया, ये डायग्राम को देख करके आप कुछ आइडिया आपको मिल सकता है, मैं गिव यू दे सकता है, आपको कुछ विचार दे सकता है, कुछ कंसेप्ट दे सकता है, कुछ सोच दे सकता है कि हमारा विद्यालय कैसा होगा भविष्य का, जो आज हम हो ही गया है। देख लीजिए, रेडियो रोबोटिक टीचर होंगे और मूविंग ई टेक्स्ट हो गए, कंप्यूटर पर आपका ई टेक्स्ट घूमता रहेगा। इन पेयर ग्रुप में, इन पेयर्स माने एक दो, दो की पेयर का मतलब दो होता है, दो दो में, दो दो के ग्रुप में डिस्कस थ्री थिंग्स, आप डिस्कस कीजिए तीन चीज़ों को दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो चीज़ें आप अपने विद्यालय के बारे में, तीन चीज़ें जो अपने विद्यालय के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड द थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और तीन ऐसी चीज़ों के बारे में दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। राइट देम डाउन, आप उसको लिखिए सारी चीज़ों को, दे माया है वो तीन चीज़, और जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो तीन चीज़ें जिसको आप अपने विद्यालय में चेंज करना चाहते हैं। हैव यू एवर रीड अबाउट, रीड वर्ड ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या कभी आपने पढ़ा है, हैव यू एवर रीड अबाउट ऑन ए टेलीविजन, और कंप्यूटर स्क्रीन शब्दों को कभी पढ़ा है क्या, टेलीविज़न स्क्रीन और कंप्यूटर के स्क्रीन पर। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक विल बी ऑन कंप्यूटर, कि आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन का मतलब कल्पना करना, ये एक ऐसा भी समय आएगा, ए टाइम, कोई समय आएगा जब सारी किताबें कंप्यूटर के स्क्रीन पर होंगी, आज हो ही गया है लगभग, देखिए ये हम इमेजिन क्या करें, अब तो हो गया, लगता है कि वो दिन 17 मई 1957 इतना जल्दी आ गया, अगर सही से कैलकुलेट करें आज के दौर से, 2100 हम लोग 2021 में जी रहे हैं, 2021 में हैं, अगर वहाँ तक रहें तो मैं भी नहीं रह पाऊँगा, आप भी नहीं रह पाएंगे, पता नहीं दुनिया कैसी होगी, कौन जानता है, भविष्य के गर्भ में क्या है कोई नहीं बता सकता। तो क्या उस समय होगा क्या, एंड देयर विल बी नो बुक प्रिंटेड ऑन पेपर्स, और कोई किताबें पेपर पर प्रिंट नहीं होगी, जिसे सब हम लोग पेपर पर पढ़ रहे नहीं होगी, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, वुड यू लाइक सच बुक बेटर, कि आप इस तरह की किताबों को आप बेहतर पसंद करेंगे, अभी की किताबों से बेटर का प्रयोग किया गया है, कंपेयर कीजिए दिस बुक एंड दैट बुक, दिस बुक मीन्स बुक ऑन पेपर्स, बुक प्रिंटेड ऑन पेपर एंड बुक्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, तो किस किताब को आप, क्या वुड यू लाइक सच बुक बेटर, तो क्या इस तरह की किताबों को आप बेहतर पसंद करेंगे। अब चैप्टर हम लोग देखें इमेजिन करने के लिए कह रहा है, अब इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, खुद आ गए हम उस दौर में इस कोविड के कारण, ठीक है, आया हुआ है, घबराना नहीं है, हमें पढ़ना है, आप हमारी वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए, दिक्कत हो आप हमसे पूछेंगे, एक दो बार जरूर पहले ध्यान से सुनेंगे, पूछेंगे, कहीं प्रॉब्लम होगा हम लोग मिलजुल करके, फिजिकली एक दूसरे को तो करीब नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से अगर हम लोग समझें देखें तो दूर से भी हम एक दूसरे की समस्या को हम लोग हल कर सकते हैं, इसके लिए सहभागिता चाहिए, हम लोग कोऑपरेटिव हों, एक दूसरे को कोऑपरेट करें तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे हम लोग समय को हम पॉजिटिव वे में भी थिंक कर सकते हैं, जैसी हालात है उसके हिसाब से हम ढल सकते हैं, एडप्ट कर सकते हैं, अपने आप को एडप्ट हो सकते हैं।
मार्गी इसमें दो है, कहानी के पात्र में मार्गी और एक टॉमी है। देखिए मार्गी और टॉम, देर आर टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरीज, मेनली मेन नो देर आर टू मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरीज। ये साइंटिफिक है, ये फिक्शन है, साइंटिफिक फिक्शन है, इमेजिन किया गया है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी भी लिखती है, मार्गी भी लिखी इसके बारे में। इट किसके बारे में? किताब के बारे में। दैट नाइट, उस रात को, इन हर डायरी, अपनी डायरी में लिखती है। ऑन द पेज डेटेड, पेज पर डेट लिखती है, जैसे हम लोग होमवर्क करते हैं डेट लिख देते हैं, बोर्ड पर भी डेट लिख देते हैं। द पेज डेटेड हेडेड है, हेडेड जिस पर हेडिंग किया हुआ है, पेज का हेडिंग है, डायरी में हेडिंग रहता है, तारीख और एक सब लिखा रहता है डायरी में ऑलरेडी। 17 मई 1857, 21 57, 17 मई 1857, सिरोड क्या लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। चूँकि डायरी राइटिंग में आप देखेंगे, अब तो डायरी राइटिंग हटा दिया गया है, लेकिन डायरी राइटिंग में एक हेडिंग रहता है, डेट रहेगा, जैसा कि डेट यहाँ 17 मई 1857 है, और इसके बाद जिस टॉपिक को हम लिखना, दिन भर में जो घटना घटी, जो महत्वपूर्ण घटना होता है, उसको लॉक डाउन करते हैं। तो टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, ये इसका हेडिंग हो गया कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला है। देखिए नॉट ऑफ एक्सक्लामेशन, व्हाट इज रियल बुक, व्हाट इज दिस, है ना। तो उस समय जो बच्चे कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, उनको तो रियल बुक कभी देखे नहीं, इसीलिए इन्वर्टेड, यहाँ पर फुल स्टॉप ना दे करके एक्सक्लामेशन मार्क दिया गया, चर्च होता है। क्या है किताब के बारे में? तो इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुराना पुरानी किताब थी। मार्गी ग्रैंड फादर, मार्गी के दादा, वंस सेड दैट, एक बार उन्होंने कहा था। देखिए सब कहानी पास्ट में है, सब्जेक्ट प्लस वी टू, देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल। मैं आप लोगों को टेंस में बताया था, वर्ब का फॉर्म याद भी कराया था, सबको याद होना चाहिए। अगर हम लोग टेंस को आज जानते हैं, वॉइस को जानते हैं, बताएंगे और सब स्ट्रक्चर याद है, तो आसानी से समझ सकते हैं। वर्ड तो बीच में आएगा, देख लेंगे हम लोग, कोई कठिन वर्ड रहता नहीं है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, किताब बहुत पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंड फादर, मार्गी के दादा, एपोस्ट्रोफी से इसका मतलब है कार्तिक, तो मार्गी के दादा, वंस सेड, एक बार कहा था कि दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटा थे, छोटा लड़का थे, तो हीज ग्रैंड फादर, मार्गी के दादा के दादा, मार्गी के दादा के दादा हीज ग्रैंड फादर, अब सोच लीजिए दो जनरेशन पार, टोल्ड हिम, उन्होंने बतलाया था कि देयर वॉज ए टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी कहानियाँ पेपर पर प्रिंट होती थी। मार्गी के दादाजी जब एक छोटा लड़का थे, तो उनके दादाजी ने, मार्गी के दादाजी ने उसको बताए थे, को बताए थे कि जब वो छोटे थे, दादाजी, ये दादाजी बताए थे कि हम जब छोटे थे तो सारी कहानियाँ, ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, सारी कहानी पेपर पर प्रिंट होती थी। यहाँ पैसिव का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, कहानी खुद से प्रिंट नहीं होता है, दूसरे के द्वारा प्रिंट किया जाता है। तो जब हम खुद से काम करते हैं तो एक्टिव है, और जब खुद से काम नहीं होता है, उसी चीज़ पर काम कर दिया जाता है, तो पैसिव हो जाता है। और पैसिव बनाते समय तो पता ही है, पार सिंपल का हो तो वाज वेयर के बाद वर्ब का तीसरा रूप डाल दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब बनाए भी होंगे पैसिव पिछले क्लास में, ऐसे हम लोगों को तो पढ़ाना ही है, लेकिन आप पीछे याद कीजिए। दे टर्न द पेजेज, विद्यार्थी पेज को पलटते थे, सब देखिए, दे टर्न, खुद पलटते थे, एक्टिव है, सब्जेक्ट प्लस वी टू, पास्ट का सिचुएशन है, सब वी टू वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा। दे टर्न द पेजेज, वो पेज को पलटते थे,
विच वेयर येल्लो एंड रिंकली, ये पीला हो जाते पीले थे होते थे और फोल्डिंग होता था रिंकली। देखिए कठिन वर्ड जो भी है, येलो तो जानती हैं, रिंकली तो कठिन वर्ड को बगल में लिख दिया है ना, क्रिंकली विथ मेनी फोल्ड एंड लाइन्स, बहुत सारे क्रिंकली। देखिए क्रिंकली यहाँ लिखा हुआ आपके किताब में, आप देखेंगे विथ मेनी फोल्ड और लाइन, बहुत सारा उसमें फोल्ड हो जाता था, लाइन हो जाता। मेरा भी किताब कुछ पुराना हो गया इसलिए इसमें थोड़ा फोल्ड है, देखिए ठीक है यहाँ पर तो। एंड इट वॉज ए ऑफुली फनी टू रीड अबाउट, और ये थोड़ा बड़ा भी डरावना लगता था, बड़ी प्रभावशाली लगने वाला, बड़ा प्रभावशाली इम्प्रेसिव लगता था। यहाँ इसमें देखिए एक एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है, इसे हम दो दो को मीनिंग लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफुली का मतलब आप ऐसा ले लेंगे, प्रभावशाली है ना, इम्प्रेसिवली हो गया, डरावना नहीं। तो ये बहुत ही ऑफुली फनी था, बड़े ही प्रभावशाली ढंग से हंसी देने वाला, खुशी देने वाला, मजाक देने वाला था। फन से फनी बना है, टू रीड वर्ड शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टील हो गया, स्टैंड स्टूड होता है ना, स्टूड स्टील तो हमेशा स्थिर रहते थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे, इंस्टीड ऑफ मैंने बदले में मूविंग द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि टेलीविजन के स्क्रीन पर और कंप्यूटर के स्क्रीन पर कैसे मूव कर रहा है, तैसे वो नहीं थे, एकदम स्थिर रहते थे, जैसे किताब के में वर्ड जो है सब स्थिर रहता था ना, जितने भी वर्ड ऑन स्क्रीन यू नो आप जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, और जब हम इसको बैक फिर पलटते थे तो देखिए वही वर्ड आ गया जो पहले हम क्या किए हुए थे, पढ़े हुए थे। तो यही कहता है कि व्हेन एंड देन व्हेन दे टर्न बैक, जब हम पीछे पलटते थे टू द पेजेज बिफोर, तो इट हैड द सेम वर्ड, तो वही वर्ड था ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन रीड इट द फर्स्ट टाइम, तो वही वर्ड हुआ करते थे जिसको हम लोग पहले पढ़े थे, पहली बार पढ़े थे, वही सब वर्ड मिलता था। गी आगे बढ़ो, गी का मतलब प्रोसीड करो, से टॉमिन कार्य आगे बढ़ो था, व्हाट वेस्ट, क्या बकवास है भाई है ना। व्हेन यू आर थ्रू, जब यू आर थ्रू का मतलब हो गया कि पढ़ करके आगे बढ़ा दी, व्हेन यू आर थ्रू मैंने गो थ्रू, जब हम आगे बढ़ जाएंगे विद द बुक, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुमको ठीक इस चीज़ को फेंक देना चाहिए किताब को। इट किसके लिए है, बुक के लिए है। आई गेस मैं अंदाज लगाता हूँ, और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियंस बुक्स, और हम लोगों का टेलीविज़न स्क्रीन पर अवश्य ही एक मिलियन से कम किताब नहीं होगा, अवश्य होगा ऑन इट। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटिंग मोर, और इसमें और भी प्लेंटी का मतलब ज़्यादा मात्रा में और भी आ सकता है। आई एम नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूँगा। सेम विथ माइन, वो भी कहती मेरे साथ भी, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा कि हाँ मेरे किताब में मैंने के स्क्रीन टेलीविज़न स्क्रीन में भी शिवाज 11। हाँ यहाँ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ ओल्ड इज मार्गी, तो मार्गी वाज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेक्स्ट एज टॉमी हैड, और उसने उतना, मार्गी की उम्र 11 साल है और उतनी किताबें वो नहीं देखी थी, हैड नॉट सीन, देख रहे हैड नॉट सीन पर पास्ट परफेक्ट है, याद रखिए हैड प्लस बी थ्री, एज मैनी बुक एज टॉमी हैड। टॉमी ने क्या किया था, देखा था, ही वाज 13, क्योंकि 2 साल का अंतर है 11 और 13 कौन है, टॉमी, ये किसके लिए, टॉमी के लिए, मार्गी के लिए सी आया है, 11 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है, तो स्वाभाविक है कि टॉमी ज़्यादा बुक देखा है मार्गी से। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछिए तुमको कहाँ मिला है, वेयर डिड यू फाइंड इट, इन माई हाउस, बोलता है कि मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो बिना देखे ही वो इशारा किया, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो बहुत व्यस्त था पढ़ने में, जारी था। इन्हें एटिस, देखिए एटिस होता है ना छज्जा है ना, छज्जा होता है बरसाती छज्जा जो होता है, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ ना, आई यूज एज ए स्टोर रूम के रूप में होता है एटिस ना, अटारी छज्जा, अटारी एटिस। वट इज अबाउट स्कूल,
किस चीज़ के बारे में है उसमें? स्कूल के बारे में। ठीक है, तो आज मैं यहीं अपना वीडियो लेक्चर ख़त्म करता हूँ। आप लोग आज इसको देखें और अगले जो वीडियो लेक्चर मैं बनाऊँगा उससे पहले आप खुद से इस पूरे चैप्टर को आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिएगा ना। अगर हेल्प बुक हो तो उसे भी आप मदद ले सकते हैं, तो फिर हम इसको पढ़ाएंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ाने स्टार्ट करें उसमें ये है कि आप लोग उसको पहले से पढ़ करके लेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। हालांकि पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मैं बना रहा हूँ और बार बार इसको दो बार तीन बार सुनिए, है ना। सुनने के बाद अगर जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ उसमें अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो टेंस में, उसके स्ट्रक्चर में, किसी वर्ड में, तो आप पूछ सकते हैं, है ना। और खुद से आगे का भी आप सेल्फ भी एक बार रीडिंग कर दीजिए, एक दो रीडिंग कर दीजिए, ताकि आपको कुछ इस चैप्टर के बारे में कुछ अंदाज़ा लग जाए कि आखिर इस चैप्टर कहना क्या चाहता है, इसमें कितने करेक्टर हैं, है ना। तो और बेहतर ढंग से हम लोग समझेंगे तो आंसर क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आप खुद से आंसर क्वेश्चन करने लगेंगे और जहाँ तक अपने शब्दों में लिखें, अपना विचार रखें तो बेहतर है ना। योर आंसर शुड बी इन योर वन वर्ड्स एंड सेंड टू मी। हमको भेजिएगा, अभी तो नहीं भेजना है क्योंकि अभी तो अभी ख़त्म चैप्टर हुआ नहीं है। इसको पढ़िए एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए, वीडियो को भी देखिए। जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आप लोग सब भेजेंगे, मैं उसको चेक करूंगा, जहाँ पर दिक्कत होगा जिनको आंसर क्वेश्चन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जिस हमको नहीं लगता है कि ऐसा ईमानदारी से आप पढ़ेंगे, देखेंगे वीडियो को, है ना, सही एक एक वर्ड को, एक एक स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे तो सेल्फ लिखने आ जाएगा। अदरवाइज अगर फिर भी रहेगा, इफ एनी प्रॉब्लम एग्जिस्ट देन विल ट्राई टू सॉल्व, है ना, ऑल ऑफ अस कॉर्डियली, है ना, हैविंग ए कोऑपरेशन विथ इस ज़्यादा हम लोग एक साथ उसको हल कर लेंगे। एक अलग कॉपी भी बना लेंगे आप लोग लिटरेचर के लिए, एक ग्रामर के लिए, बस दो कॉपी काफ़ी है, एक लिटरेचर के लिए अलग, ग्रामर के लिए अलग। अब बुक खरीद लीजिएगा वो ग्रामर वाला। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।